हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लास में। दोस्तों आज के स्टूडियो में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे आपकी आरआरबी जो एलपी का रिजल्ट है 2018 का जारी, जानिए कब जारी होगा एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो एलपी का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट दोबारा जारी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या न्यूज़ आई है मैं पूरी आपको विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ हमारे साथ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसे दबा दीजिए, पास में बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सचिन सलावट नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहां पर आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जो कि आपकी एलपी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। जिस लेवल के क्वेश्चंस को उसी लेवल के क्वेश्चंस को मैंने वहां पर डिस्कशन किया है। साइंस के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशन किया जिसमें 500 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशन किया, जिसका लिंक मैंने पार्ट वाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है आपकी रेलवे की ऑल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट वाइज लिंक दिया है, तो वहां से जाकर उन सारे लेसन को देख सकते हो और आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो न्यूज़ आई है ना ये एनडीटीवी न्यूज़पेपर में आई है, तो यहाँ पर जो न्यूज़ आई थी ये आई थी आपकी 28 नवंबर को। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आरआरबी जल्द ही एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का रिजल्ट दोबारा जारी करेगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आरआरबी रिजल्ट अपने रीजन की आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे और मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर में जारी होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो भी आपका एग्जाम हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में जारी होगा, और आपका जो दूसरे स्टार्ट मतलब सीपीटी 2 का जो एग्जाम होगा वो 24 दिसंबर से, और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको और पढ़ के बताता हूं कि नई दिल्ली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जल्द ही एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का रिजल्ट दोबारा जारी करेगा। ग्रुप सी परीक्षा का रिजल्ट आरआरबी की सभी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। रेलवे के एक अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट जो है वो आरआरबी रिजल्ट अपने रीजन की आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर पाएंगे। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप सी परीक्षा रिजल्ट और आंसर की 2 नवंबर को जारी की थी, उसमें उम्मीदवारों ने कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद रेलवे ने मामले की जांच कर फिर से रिजल्ट जारी करने का फैसला किया था। 24 दिसंबर से होगी दूसरे स्टेज की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड 24 दिसंबर से दूसरे स्टेज की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आरआरबी सेकंड स्टेज सीबीटी आयोजित करेगा। दूसरे स्टेज की सीबीटी की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र और शिफ्ट की जानकारी एग्जाम से 10 दिन पहले जारी कर दी जाएगी, यानी कि परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी 14 दिसंबर को जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 24 दिसंबर से है, तो 10 दिसंबर से पहले आपको क्या होगा कि जानकारी मिल जाएगी। दूसरे स्टेज की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आरआरबी एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे, यानी कि एडमिट कार्ड जो है आपके 20 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। अब यहां पर देखिए उम्मीदवार नीचे दी गई आरआरबी वेबसाइट पर जाकर एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ध्यान रहे कि उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर ही रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जो भी आपसे जिस भी जोन से एलपी का जो फॉर्म अप्लाई किया है तो वहां की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप देख सकते हो, और अगर आपने आरआरबी गुवाहाटी से अप्लाई किया तो आपके लिए ये वेबसाइट है। तो दोस्तों ये जो आपकी न्यूज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने आरआरबी एलपी का एग्जाम दिया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप एलपी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहां पर मैं आपके हर एग्जाम रेलवे के ऑल्स एग्जाम के यहां पर एनालिसिस लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है दबा दीजिए, पास में बेल आइकन दिया हुआ उसे भी ऑन कर लीजिए, क्या होगा मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।